तो दोस्तों लिस्ट आ चुकी है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन फरवरी 2020 की। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से स्मार्टफोन होने वाले हैं जो कि आने वाले फरवरी 2020 में आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हूँ वो कौन से स्मार्टफोन होने वाले हैं, किस डेट पे लॉन्च होने वाले हैं, साथ में आपको बताएंगे आपको क्या खास कमाल के फीचर उसमें मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो सारे स्मार्टफोन के बारे में आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रवीण। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे बात कीजिए फरवरी में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है पोको X2। जी हां दोस्तों, पोको X2 जो कि अब साउमी से अलग हो चुका है। उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा साउमी के साथ उसने पोको F1 लॉन्च किया था, लेकिन अब वो साउमी से अलग होकर अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है जो कि पोको X2 होने वाला है, जो कि आने वाले 4 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। जहाँ पर आपको 2 वेरियंट में ये फ़ोन शायद आने वाला है, जहाँ पर आपको 8 GB और 256 GB और 6 GB 128 GB इसके साथ हो सकता है मिले। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे बताया गया है कि 765 का प्रोसेसर मिल सकता है, जहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी अच्छे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये तो आने वाले 4 फरवरी को पता चल पाएगा कि इसमें और भी क्या कमाल के फीचर हमको मिलने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गया पहला स्मार्टफोन जो कि 4 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की जो कि आता है सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग फरवरी में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि दूसरे नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A71। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि आने वाले 11 फरवरी को शायद लॉन्च किया जाए। इसका भी डेट हमको फाइनल नहीं है, लेकिन ये आने वाले फरवरी में शायद 11 को लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर बात कीजिए इसके वेरियंट की, तो यहाँ पर भी आपको 6 GB और 8 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन हो सकता है आने वाले समय में, जो कि फरवरी में लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा बात ये तीसरे स्मार्टफोन की, तो यहां पे भी सैमसंग ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में है वो है सैमसंग S20 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, S20 सीरीज भी सैमसंग 11 फरवरी को लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे बात की जाए इसमें आपको 2 स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S20 और S20 प्लस। आपको ये 2 सीरीज आने वाले 11 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जो कि इंडिया में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात तो तय है कि आने वाले फरवरी में सैमसंग के कई सारे स्मार्टफोन हमको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी कमाल के फीचर के साथ एक अच्छे अच्छे बजट में कई सारे स्मार्टफोन हमको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब तो 11 फरवरी को आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इसमें और भी हमको क्या कमाल के फीचर मिलते हैं। यहाँ पर बात कीजिए चौथे अपकमिंग स्मार्टफोन की, जो कि फरवरी में आने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है MI Note 10। जी हाँ दोस्तों, MI Note 10 जो कि काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा है। सुनने में आया था कि 2019 में दिसंबर में लॉन्च होने वाला था, उसके बाद डेट टली, ये आखिरकार अब सुनाई दे रहा है कि 11 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। जिसमें दोस्तों बात कीजिए इसके खास फीचर की, तो आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि इसका काफ़ी हाइलाइटेड पार्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। अब ये तो आने वाले 11 फरवरी को देखने को मिलेगा कि इसमें और भी क्या कमाल के फीचर आपको मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कीजिए इसके प्रोसेसर की, तो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का होने वाला है। अब तो दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा कि ये 11 फरवरी को लॉन्च भी हो पाता है या नहीं। अगर बात कीजिए इसके डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि इसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब ये तो 11 फरवरी को इंडिया में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे 4 अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि आने वाले फरवरी 2020 में हमको लॉन्च होने वाले हैं और देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इन 4 स्मार्टफोन के बारे में, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।